जैसे कि आप देख सकते हैं आर के कॉन्स्टेबल का आज पेपर था, तो कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन थे। द प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस है ना, द क्वेश्चन वाज आज दैट वर्ड हु इज़ द प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस है ना, मॉरिशस का जो करंट राष्ट्रपति है वो पूछा गया था। देन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे जो डेज पर है उस पर क्वेश्चन कल भी आए थे, आज भी आ रहा है, तो डेज पर आप लोग थोड़ा देख लीजिए। रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन सी गैस होती है आप जानते हैं, फ्रियोन होता है। साइंस जो है पूरा वन लाइनर आ रहा है ना, वो डीप में ज़्यादा नहीं पूछ रहा है। पॉलिटिक्स और हिस्ट्री से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा है किस देश में कॉन्स्टिट्यूशन लिखित नहीं है ना, आप जानते हैं ब्रिटेन का जो है वो राइटिंग में नहीं है ना। फिजिक्स में वन लाइनर क्वेश्चन देखिए, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो जितनी भी एसआई यूनिट है आप पढ़ लीजिएगा। रक्त को अंदर जमने से रोकता है आप जानते हैं, हेपरिन जो है अंदर रोकता है, और ब्लड क्लॉटिंग के लिए अगर विटामिन पूछता तो आप सब जानते हैं विटामिन के, ठीक है। कॉमन कॉमन क्वेश्चन हैं वही सब आ रहे हैं। फिर ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ देव समाज है ना, देव समाज का संस्थापक कौन था। करंट अफेयर वो डीप में बिल्कुल नहीं पूछ रहा है, जो बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चंस थे करंट अफेयर के वही पूछ रहा है। WHO ने डिसाइड किया था कि हम टीबी को पूरा जड़ से ख़त्म करेंगे ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका जो ईयर है वो 2030 है ठीक है, 2030 तक उसको पूरा ख़त्म कर देंगे। हरियाणा हरिकेन स्पोर्ट्स से भी कल भी क्वेश्चंस आए थे है ना, आज भी आया हुआ है, तो हरियाणा हरिकेन के नाम से हम किसे जानते थे आप जानते हैं, आपके क्रिकेटर कपिल देव जी को। दक्षिण ध्रुव पर पहला व्यक्ति कौन गया था, ये क्वेश्चन भी आया है, पूरा स्टैटिक जी क्या आ रहा है, जो लूसेंट का जो मिसलेनियस वाला पार्ट विविध है उसको आप पढ़ लीजिए, आपके से आपके 2 से 3 क्वेश्चन उससे ही बनेंगे है ना। जगन्नाथ मंदिर आप जानते हैं अपना पुरी ठीक है, जो शोल्डर जो किसका मिश्र धातु है, फिजिक्स का क्वेश्चन है आप जानते हैं, सीसा और टीन का। टाइगर स्टेट पूछा गया था तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश ठीक है। अब इतिहास हिस्ट्री पे आते हैं, इतिहास में तो जितने भी वायसराय आए थे है ना, गवर्नर जनरल थे, उस पर आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ठीक है फ्रेंड्स। अभी जिनका फर्दर एग्ज़ाम है तो आप जानते हैं कि बहुत सारे गवर्नर जनरल आए, देन वायसराय आया है ना, तो उन लोगों के टाइम पर मोस्टली इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई थी, तो आप देख लीजिए ना। स्थायी शासन का पूछा है तो आप जानते हैं लॉर्ड रिपन थे, तो गवर्नर्स पर क्वेश्चन डेफिनेटली बन रहे हैं, तो आप उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए उसे है ना। नाइटहुड टाइटल किसने छोड़ दिया था, जलियांवाला बाग के कांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उसको छोड़ दिया था। अभी रिसेंटली चुनाव हुआ है तो चुनाव पे क्वेश्चन बनना तय है ना फ्रेंड्स। तो ग्राम पंचायत इलेक्शन कौन कराता है, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है वो कराती है ना। इंडियन हाउस लीग की जो स्थापना थी वो लंदन में किसने करी थी, ये क्वेश्चन भी है, इतिहास के ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए हैं फ्रेंड्स है ना। और बुक पे आ ही रहा है गुड अर्थ है ना, ऐसी कोई पुस्तक है क्लियरली जिसने भेजा था वो, उसने तय लिखा था गुड अर्थ की पुस्तक का पूछा गया था है ना फ्रेंड्स। तो बुक्स वगैरह देख लीजिएगा। दोहरी नागरिकता का पूछा गया कि किस देश में है ना फ्रेंड्स, अपने देश में दोहरी नागरिकता नहीं है, अपने सिंगल है। देन सबसे बड़ा डैम ठीक है फ्रेंड्स, पूरा स्टैटिक क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन आए थे उनको कैजुअली बता दिया हमने, आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, बस लूसेंट को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। लूसेंट से ही आप कह सकते हैं कि जीके जो है 70-80% आ रहा है, साइंस जो है पूरा बहुत वन लाइनर आ रहा है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा है ठीक है फ्रेंड्स। और अपडेट जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ ALP का रिजल्ट जिन लोगों ने अब तक देखा नहीं है आप देख लीजिए है ना, मैंने वीडियो डाल दिया इसके पहले, उसमें लिंक जो है उसकी रिजल्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपना रिजल्ट देख लीजिए, कई क्या हुआ है, कई मैक्सिमम कैंडिडेटों के जो नंबर हैं वो कम हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट क्लियर कर चुके हैं। एक दो कैंडिडेट्स हैं काफ़ी जो जिन लोगों का लास्ट टाइम पेपर क्लियर था बट अभी उनका नो आ रहा है, अब ये क्या हुआ है, ये रेलवे शॉर्ट आउट करेगा, मे बी शाम तक ऑफिशियली अनाउंस कर दें, ऑफिशियली कट ऑफ आ जाएगा, तो उसके बाद पता चल जाएगा, क्योंकि मार्क्स कम हो रहे हैं और कैंडिडेट्स के निकल रहे हैं, इसका मतलब है RRB ने 15 गुना अराउंड कैंडिडेट्स बुला लिए हैं है ना, कट ऑफ भी मे बी उसने कम कर दिया है। तो आप अपना RRB ALP का रिजल्ट देख लीजिए, और एग्जामिनेशन डेट आपको पता है कि 21 जनवरी के बाद आप लोगों का ALP का CBT सेकेंड है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। और थोड़ा रिजल्ट में जो लिंक दी हुई है वो पुरानी लिंक्स में रिज़ल्ट आ रहा है, अगर आप RRB पटना की साइड पे जाएंगे तो लिंक वहाँ पर भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप जाके अपना रोल नंबर डाल के देख लीजिए, वहाँ नीचे वो 75 और 74 कुछ मार्क्स करके लिखा रहा है, वो मे बी शायद कि क्वेश्चंस, क्योंकि जो इशू था वो ये था कि ट्रांसलेशन एरर था, तो मे बी शायद RRB ने उस क्वेश्चन को ही हटा दिया है, देन उसके कारण 74 75 73 लिखा रहा है, ये रीज़न हो सकता है
है ना, इसका जो पूरा वो है आरआरबी डिक्लेयर कर देगा, आप शाम तक का वेट करिए। और जहाँ तक है वो 90% मेरे हिसाब से वो सही होना चाहिए रिजल्ट, क्योंकि कोई फेक लिंक नहीं है, और आरआरबी की लिंक है, और रेलवे को सब लिंक अपलोड करना है, बिकॉज योर रिजल्ट हैज़ बिन, है ना, वो बन चुका है पूरा पूरा, इट हैज़ बिन मेड बाय द आरआरबी, है ना, वो आरआरबी की जितनी साइटों पर पब्लिश हो जाएगा वो आरआरबी रिजल्ट बना चुका है, बस उसको आप अपलोड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आरआरबी का आप देख लीजिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर सेफ्टी, एंड आपके आरपीएफ का फर्दर जो भी शिफ्ट है उनके लिए ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। सब्सक्राइब करिए अपने चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए।